हर घर तिरंगा का ये इम्पोर्टेंट है, हमारा एक ही निशान है ये तिरंगा, कि भारत का एक निशान है तिरंगा। ये तिरंगा जो है एक भारत को एकता और अनुशासन लगन के साथ और रखते हैं, और इस संविधान के अंदर में हम लोग भारत का जितना नर हो नारी हो, जितना जो भी भारत का जितना भी कार्यकर्ता करने वाला हो और ऑफिस में दफ्तर में जो भी करने वाला इस तिरंगा के अंदर में है, हर सिटीजन इस तिरंगा के अंदर में है, हर जाति हर धर्म और हर जो पार्टी इस तिरंगा के अंदर में है। इस बिना तिरंगा से हमारा भारत आगे कुछ नहीं हो सकता है। ये एक भारत का एक पहचान है कि तिरंगा, इस तिरंगा के ये सारे हमारे कहीं भी भारत देश रहता है और भारत का नागरिक रहता है, ये तिरंगा साथ में रहता है, तो एक ये भारत का एक पहचान है। तो कोई भी चाहे अंतोदया से लेकर के जितना ब्यूरोक्रेट तक, ये हमारा एक पहचान है जो तिरंगा से ही पहचान, एक भारत का सिंबॉलिक और उसको आइडेंटिटी माना जाते हैं। तो इसलिए भारत का एक इस पहचान को हम लोग होना नहीं चाहिए, और इस पहचान को हम लोग काबिल और कामयाब रखना चाहिए, और हर नागरिक सोचना चाहिए कि तिरंगा का अंदर में, इस तिरंगा के अंदर में हम लोग जीता है और मरता है। तो देश जब स्वाधीनता हुआ, स्वाधीनता इस तिरंगा को, ये एक स्वाधीनता का एक पहचान भी है, हम लोग का आज़ादी का पहचान है। तो इस अमृत महोत्सव से हम लोग ये शुरुआत है कि हम लोग का 75 ईयर्स देश स्वाधीनता हुआ, और ये फिर 76 ईयर्स 15 अगस्त से शुरुआत हुआ होगा। तो इसलिए ऐसे हमारा देश आगे बढ़ते जाएगा, और जैसे डिनोमिनेशन बढ़ता है इसी तरीक़ा से हमारा देश आगे बढ़ते जाएगा, और हम लोग एक नया इराक में हम लोग पहुँच जाएगा। और ये जब हम लोग जब नया इराक में पहुँच जाएगा और हमारा देश संपूर्ण रूप से और हम लोग आत्मनिर्भर हो करके हम लोग जाएगा, और किसी का आगे में हम लोग हाथ नहीं फैलाएगा, और किसी का आगे में हम लोग कोई मतलब निर्भर होके नहीं जाएगा। तो हमारा ये तिरंगा से हमारा ये एक आज अवेयरनेस, और हम लोग सबको जान पहचान और सबको आज़ादी का अमृत उत्सव को हम लोग बता रहा है, और देश आगे बढ़ रहा है बोल करके सबको बता रहा है। ये एक हम लोग का मौका है, हर नागरिक का मौका है कि सबको ये चीज़ को बताना है, और तिरंगा झंडा को हर हाथ में देना है, हर नागरिक उसको अपना समझ करके रखना है, और देश के लिए भलाई के लिए काम करना है। थैंक यू। हर घर तिरंगा के ऊपर में व्यूअर्स को मैसेज। हाँ, ये आपको, ये हमारा न्यूज़ वाला को आपको थैंक्स करता है, क्योंकि आज हम लोग देखिए 75 ईयर्स हो गया, तो हम लोग ने एक हर एक मजदूर का हर एक घर में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि इतना सालों का बाद में हम लोग ने तिरंगा को 15 अगस्त को दिखता है, 26 जनवरी का दिखता है। तो आज के जो हमारा नरेंद्र मोदी जी का और JP नड्डा जी का, तो उसका नेतृत्व से हम लोग ने फ्लैग पकड़ने मिला, तो वो फ्लैग को अच्छी तरह से यूज़ होना चाहिए। तो कहीं जैसे कि अभी हमारा यहाँ बॉर्डर है, तो जितना बॉर्डर है हम लोग का, इंडिया का, चाइना है, पाकिस्तान है, कोई अनेक लोग ये कंट्री है, तो वो लोग को देख के हमारा ये इसे पहचान जाता है, द इंडिया फ्लैग से हम लोग को पहचान जाता है ये बोल के। तो इंडिया फ्लैग ये एक तो हमारा हथियार है, सबसे नंबर वन ये है, तो उसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। ये वर्कर्स लोग को हम लोग ने अवेयरनेस दे रहा है, मैंने ये है मैंने। सर, हमें बता दीजिए हर घर तिरंगा का ऊपर, तो आप हर घर में तिरंगा किस तरह से पहुंचाएगा? हर घर का तिरंगा, ये जो फ्लैग जो है ना हमारा, जैसे कोई ऑफिसर दे रहा है, इंजीनियरिंग PhD में, मतलब हमारा JEE लोग पहुंचा दे रहा है,
तो उसके बाद में बीजेपी का पार्टी का लीडर लोग है, युवा मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, तो उसके बाद डीसी का अंदर में भी है, तो उस लोग से आपने कलेक्ट करिए। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में है, अपना अपना डिपार्टमेंट को ऑफिसर को बोले कि हमको ये फ्लैग चाहिए, बोलने से वो लोग पहुँचा देगा। जो निष्का पास नहीं है तो हमारा साथ में संपर्क कर सकता है, जो हमारा पीएचई यूनियन का वर्कर्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरा से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, मैं पहुँचा देगा कहाँ में पहुँचाना है। लेकिन वो लगाने के लिए भी उसको लेने के बाद अच्छा तरह से यूज करना है, फेंकना नहीं है, कहीं में जहाँ तहाँ नहीं रखना, उसको यूज नहीं करता है। अब अच्छा से फोल्डिंग करके सुंदर से रखिए और नेक्स्ट में भी काम आ जाएगा। इसलिए ये मेरा मजदूर लोगों को, मेरे किसान लोगों में ये यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के तरफ से, ये हमारा फ्लैग को अच्छी तरह से यूज हो जाए और कहाँ गंदा पिंदा ना करे, उसको अच्छा से नेक्स्ट में भी काम आ जाए और गोर में रखे भी अच्छा से फेंकना नहीं है, लेकिन फोल्डिंग करके सुंदर से अपना कपड़ा जिसे रखने से वो इंडिया फ्लैग जो काम आएगा नेक्स्ट में भी उसके लिए भी काम आएगा। ये है मैडम, थैंक यू, थैंक यू। जो जितना फ्लैग है हमारा ताई औरों ने दिया है, तो उसको बाद तना हाली जी कोऑपरेट किया है, तना हाली जी हम लोग के साथ में सजेस्ट किया है, आयदा दिया है, हमारा बीजेपी बीजेपी का यहाँ का पापुम परे प्रेसिडेंट जो भारतीय जनता पार्टी का, वो भी बहुत योगदान दिया है, बहुत सजेस्ट किया है। उस लोग के नितंग में हमारा आज हर एक घर घर में, हर एक घर में पहुँचेगा हर एक वज्र। और अरुणाचल में 60 MLA है, फर्स्टली हमारा तना हाली जी ने ये कार्यक्रम किया है, हम लोग को साथ दिया, हम लोग को सजेस्ट किया कि आप लोगों का मजदूर लोग ये करना चाहिए, बोलके हमारा तना हाली जी का और बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट सोनी जी ने ये कहा है कि ये काम होना चाहिए, बोलके हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया और सजेस्ट करने के बाद सारे मजदूर के साथ में आज ये जो हमारा फ्लैग जो मिला है, इसके लिए ये सब लोग को थैंक्स करता है हमारा MLA साहब को, ताई औरन जी को, उसको ये फ्री ताई औरन जी का लीडरशिप से फ्री मिला है और तना हाली MLA के तौर से मिला है ये फ्लैग, जो आज भी प्रोग्राम पूरा फ्री है, कोई किना नहीं है। थैंक यू। भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की, भारत माता की।